मैं आजकल रोज सुबह गीता सुन रहा हूँ ना, तो आज वो लाइन आ रही थी कि जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं होती ना तो तुम्हें गुस्सा चढ़ता है। तो मुझे कल का याद आ रहा जो कैनल का अंधेरा हुआ वहाँ अस्पताल में, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँ। भाई पर्सनल इच्छा है, चलो उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, हमें इनके लिए कैनल बनाना है। जब तक ये चुप नहीं होती तब तक मैं बोलने का फायदा है नहीं। भाई अपन बाहर बात कर लें क्या, धूप में चल लेते हैं ना। ना आज कोई और खास प्लान है? नहीं सर, हमारे बस चेक्स हैं, जैसे कि अब बड़ी हो गया, उसकी कल सर्जरी हुई ना, सक्सेसफुली हो गई आई की चेरी आई की सर्जरी। तो बड़ी कहाँ है? हाँ वही अपने केज में। अपनी भी बेइज्जती कराता मेरी भी। मुझे लगा था कि आपने इसका कोई ऐसे पायरेट पैच लगा रखा होगा। नहीं नहीं, हमें ये देखना है कि अपनी आईलिड यूज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है ना, और अगर नहीं कर पा रहा होगा फिर हमें आई रिमूव करके आईलिड स्यूचर करनी पड़ेगी। इधर भागी, इधर 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 किधर इधर गई, इधर बच्चे बच्चे सोच, अरे मैंने सोचा चटोरी है। नहीं मेरी जान भागी इधर, चटोरी तो ये अक्सर भागते रहते हैं ज्योति कुत्ते बाहर। नहीं मेरी जेन थोड़ी ज्यादा शैतान है, ये क्या करती है फेंस में सिखाना ना दूसरों को, ये ऐसी परेशान करती है, कभी फार्म से बाहर भी भागी, इसलिए इसको बाहर नहीं रख पाते हम लोग ना, कि ओपन एरिया में थोड़ा सा छोड़ दें जैसे बाकी बच्चों को साथ में छोड़ते हैं। तारीफ नहीं कर रहे तुम्हारी, मेरे को बस ये टेंशन है दूसरे डॉग्स देख देख के स्टंट करने की कोशिश ना करें। ये फीचर होना चाहती थी वीडियो में। हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं मैक्लोडगंज स्ट्रीट इंटरव्यू करने, तो आगे का आज का तो सारा वीडियो वहीं बनेगा, यहाँ पे जो भी होगा विक्की देखेगा। देखना कोई कुत्ता भागता है कुछ भी होता है, किसी बैल को लूज मोशन लगता है, सब कैप्चर कर लेना। हम टेस्ट तुमसे कर लें, कर लो। तो जैसे जो हमारे क्वेश्चन है स्ट्रीट इंटरव्यू के, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास मुर्गी खाने का राइट है? नेचुरली जवाब देना या कुछ भी बोल दो, जो जवाब है तुम्हारा, जो तुम बिलीव करते, जो तुम बिलीव करते हो। इतना सोच के थोड़ा नहीं सोच, नहीं नहीं जवाब सोच के देना चाहिए, ठीक है? कि मैं पूछ रहा हूँ सिंपल, तुम मार के खाने का राइट नहीं है, जिंदा खाने का है। कि मतलब खुद उसको स्लॉटर करके खाने का नहीं, मतलब जैसे हम रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर हम ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मैं कभी मरता हुआ नहीं देख सकता, मैंने एक बार देख ली थी, मतलब मेरे आगे किसी ने काटी थी, तो मैंने 2-3 साल तक नॉनवेज नहीं खाया था। मतलब हो जाता है एक ना, अब चीजें बदल रही हैं धीरे धीरे, सोच डेवलप हो रही है। तो अभी हम 6-7-8 इंटरव्यू ले चुके हैं और काफी इंटरेस्टिंग लोग मिल रहे हैं, काफी लोग ऐसे भी मिले जो वेजिटेरियन हो गए हैं, होना चाहते हैं, पर फिर भी कई कॉन्वर्सेशन ऐसे हुई कि भाई समझ नहीं आता कि किस बात में माथा फोड़े कि वो नॉन वेज खाते हैं या जिस तरह के वो कारण देते हैं। हम एक फिल्म के लिए छोटा सा इंटरव्यू ले रहे हैं, आपके पास 2 मिनट हैं। आपके पास 2 मिनट होगा, आपके पास 1 मिनट है। थैंक यू। अब मैं तो 2 मिनट की जगह 1 मिनट पूछना शुरू किया तब भी लोगों के पास टाइम नहीं है। ये लगा दूं आपको माइक में, ऐसा ना हो नाराज हो, माइक लेके चले जाओ हमारा। क्या आपको लगता है कि आपको मुर्गियां खाने का अधिकार है? आप कह रहे हैं मैं 13 साल तक छोड़ा था। You asked for a few minutes, a few minutes are over. Hey, chill, it's okay. Hey, let's go ahead. मेरी सोच है। Thank you. Welcome. पड़ेगी मुझे कहीं ना कहीं, पक्की बात आज। मुझे पता नहीं कि कितने लोग हैं जो सच बोल रहे हैं। तो छोड़ दिया आपने? हाँ। Stop पे एक नॉन। इन्हें भी समझाइए। अभी तो खाया है, झूठ बोल रहा है। मैं अमेरिका रहता हूँ, सब लोग पोर्क खाते हैं, बीफ खा रहे हैं, मुर्गी खा रहे हैं। आप तो यहाँ से गए? हाँ। तो फिर अमेरिका तो हटा देते हैं ना। हाँ। फिर तो अमेरिका तो बहाना हो गया। ओके। हाँ। दिल्ली से है सर? ये आदत है खराब है, बट आगे जाके छूटेगा, नेक्स्ट ईयर का रेजोल्यूशन है। तो छोड़ दिया? यस। उस दिन से नहीं खाया, 3 दिन चार दिन हो गया। दैट्स नाइस, गुड कि लोग खुद से बदल रहे हैं। सही, तुम लोग कहते हो कि भाई अरे यार क्या हो रहा है, कंजम्पशन तो बढ़ ही रही है, पर उतनी नहीं बढ़ रही जितनी बढ़ सकती थी, क्योंकि लोग बदल रहे हैं। मैंने आपको यहाँ भी रिकॉग्नाइज किया, नीचे भी गया, मगर अभी इंटरव्यू ले रहा, बाद में लेते हो फोटो। क्या नाम है आपका? अभिनव। हम ब्लॉग में डालेंगे। इन पे डिपेंड करता है। हमारे पेट खाली हैं, मेमोरी कार्ड भरे हुए हैं, और हमने डिसाइड किया है कि बस अब और शूट नहीं करेंगे, अब हम जाके वापस एडिट करेंगे।
श्रीश कह रहा है कि कल परसों तो वीडियो तैयार कर देगा, कल शाम तक। कल शाम तक ठीक है, तो ये कल शाम कह रहे हैं, आप अगले हफ्ते लेके चलो, वीडियो आएगा। इतना भरोसा। तुम लोगों ने पीछे से काम किया है या गए हुए हैं? तो भैया पीछे हम भी मस्त। ना ना सर, काम ही कर रहे थे, दोनों दिन एडिट हो गए, क्योंकि तो शूट के लिए आज कुछ ज्यादा था नहीं। हाँ, हमारे वो सारा तो जगह भरी हुई है, जब कोई रेस्क्यू आएगा ही नहीं तो शूट क्या होगा ना। इन्हें तो चमका दिया है मलेरिया। सही रहा पीछे से सब? सब कुछ ठीक था। ये दिख रही है इतने अंधेरे में? आती हूं ना, मेरे को आवेश आपसे बात करनी है। मेरे को तो इस बात से डर लगता है जब कोई कहता है ना कि मुझे आपसे बात करनी है। ऐसा हो रहा था ना कि मेरी जेन अब तो कैनल के अंदर से भी जंप मार रही है, जो हमारे अडॉप्टेबल कैनल्स है। हाँ। तो दो तीन बार जो भागी है वहाँ से। ठीक है, भाग के लेकिन कहाँ गई है? सर वो सीधा ऑफिस एरिया में गई थी ना, चूल्हे के पास। जिसके पीछे तुम भाग रहे थे आज, वो मेरी जेन थी। हाँ, हाँ। तो हमारा राही है ना। हाँ। उसका भी मैं सोच रही हूँ, क्योंकि ट्यूमर है, ओल्ड एज है, सब कुछ है, तो हम लोग एक बार मतलब उसका यहाँ से तो मेरे को कोई डिसीजन मिला नहीं। तो राही और इसको भेज देते हैं। हाँ। शॉर्टकट को भेज देते हैं। और अभी अमनदीप और अमरप्रीत। अमर यार मैं अमरप्रीत कह रही हूँ, अमनदीप कहता अमरप्रीत और श्वेता स्पॉट है ना थोड़ा। चटोरी चटोरी, हम मुर्गियों का वीडियो करके आ रहे हैं मैकलॉड में, तू कुछ तो शर्म कर। तुमने एक चीज नोटिस करी? हमारे हमसे किसी ने पूछा तक नहीं कि कैसा रहा। तो सर वीडियो में पूछते ना। चलो काम ही करते हैं हम। कोई बिट मिला? अभी भी नहीं पूछे तो और ऑकवर्ड हो जाएगा। मैं तो पूछ रहा हूँ। बहुत तेज हो रहे हो हैं। विक्की से ज्यादा इंटरेस्टिंग मिले विक्की का बेंचमार्क था। विक्की के भाई बंधु मिले मेरे ऊपर। ममता दीदी संतोष भी लेट हो गए हैं क्योंकि कल बनने आलू के पराठे, और इस समय हमारे यहाँ फार्म पे कितने हैं खाने वाले डाइनिंग हॉल में? 15 भैया। 15 लोग हैं, और सब दो दो भी दो दो पराठे भी खाए तो 30 तो बनाने पड़ जाएंगे सुबह। गुड नाइट। गुड नाइट भैया जी। वॉक से वापस, और यहाँ पे बन रहे हैं आलू के पराठे। कितने बनाने दीदी? 30 अभी। 30 फिर आगे आपके लिए। अरे यार इसको भी लूज मोशन लग रखी है। दानू का लूज मोशन तो डीवर्मर्स की वजह से था ना? दानू का नहीं सर, तोतो का। मैं क्यों दोनों में कंफ्यूज हो रहा था, सॉरी। तोतो का हाँ, वो जो था वो डीवर्मर्स की वजह से था ना लूज मोशन। पर ये तो इतना वो रखा है, ये तो वो है सर, दानू है। ये तोतो है, ये दानू है। इसको डीवर्मिंग की वजह से लूज मोशन हुआ, और इसको लूज मोशन सबसे पहले था डायरिया है ना, उसके वजह से इसके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आई। कल काफ़ी लंबा एक प्रोसीजर हुआ है जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, और अभी इसको डायरिया हो रहा है। बीच में 3-4 दिन अभी बिल्कुल बंद था। हमने एनीमा दिया था इसको, क्योंकि वो गांठ बनी हुई थी ना इसके रेक्टम में, और उसके बाद उसने काफ़ी सारा गोबर भी किया हुआ, रात को पतला ही किया है पर किया तो हुआ है। इसका सर ब्लैडर भी फुल था, पर हमने कैथेटराइज करने की कोशिश को पूरी की थी, पर वो ब्लैडर से कोई यूरिन तो निकला नहीं। अभी रात को उसने किया कि नहीं किया हमें आइडिया नहीं है। तो इन लोगों को भी वही दिक्कतें होती हैं जो हमें होती है, पर यह है कि भाई हमें हेल्प मिल जाती है और इनको नहीं मिलती। मुझे इसका बता दो कि ये इसका पस आ रहा है ना, ये ना। हाँ, इसका ये होना है। भी ट्रीटमेंट? हाँ सर, इसका एंटीबायोटिक चल रहा है ना। टोटो और दानू? नहीं, टोटो और दानू। मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ सीरियसली, इन दोनों में कंफ्यूज हूँ। वो जो रात को पपी आया वो तो सरवाइव नहीं कर पाया। एक तो इतना गंदा एक्सीडेंट हुआ, उसका पूरा जो पीछे वाला पैर है, पहले तो पूरा ब्लड में सना हुआ था। हमने थोड़ा सा जब डॉक्टर डायग्नोसिस कर रहे थे ट्रीटमेंट के दौरान, तब देखा तो हड्डी पूरी बाहर थी, पैर लगभग अलग था। कल क्लिनिक बंद होने के बाद भी मैं आया हूँ दो बारी, ज्योति दो बारी है, क्योंकि पहले जो अंग्रेज था डॉग है वो अपना कैनल तोड़ के तो नहीं खोल खाल के बाहर आ गया था। तो बहुत भौंक रहे थे, तो मैं आगे देखा है तो ये जो अंग्रेज है ये अपना कैनल से छूट के बाहर आ गया है। अब ज्योति मेरी हेल्प कराने आ रही है, फिर इसको अब अंदर करेंगे। चल बच्चा चलो। बाबा शांत शांत शांत, ये तो अच्छा इन्होंने अलार्म बजा दिया वैसे। चलो भाई साहब अंग्रेज जी चलो। तेरी मैं वीडियो बनाऊं तेरा या तेरे को अंदर करूं? फाइनली ये एक्स्ट्रा कैनल यहाँ पे सर्जरी के लिए थे, जहाँ पे ज्योति ने और रेस्क्यूज भर लिए। चलो राजा चल, तू इस समय भी लड़ ले यार मुझसे।
रात में तो लगेगी ना ठंड। चल चल बच्चा प्लीज। क्या चलो गो बैक टू स्लीप, शोज ओवर, चलो थैंक्स अर्जुति। नहीं नहीं वो अब कौन एस्केप किया राजा। ओके 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 क्रेजी डॉग, बस करा दिया शोर मचा दिया। छूट गया कुछ? नहीं मैं क्या छूट गया? कुछ नहीं छूटा। कैट लिटर खाली करने लगी थी मेरी। ठीक है जी, गुड नाइट ज्योति। फिर उसके बाद ये ज्योति को पर्सनल नंबर पे कॉल आ रहा था एक पपी को लेके। भाई इसकी इतनी गंदी हालत थी, कम से कम एटलीस्ट वो कंफर्ट में, इसे क्या है, कम से कम वो एटलीस्ट कंफर्ट में डेथ हुई उसकी। कंफर्ट में क्या मतलब, थोड़ा कंफर्ट तो नहीं कहूंगा, तो कर दिया था एटलीस्ट, उसको पेन किलर्स दे दिए थे, बट मतलब थोड़ी आसान कर दी हमने उसकी डेथ। सुबह 4:30 बजे यहाँ पे बॉस रो रहा था तो मैं आया हूँ। तो अब मेरे को था कि इसको मैं बाहर निकालूं, तो यहाँ पे एक डॉग था, कैनल सारे बंद थे। फिर मैंने सारे कैनल चेक किए, जो S6 था उसमें कुंडी लगी हुई थी और उसका डॉग बाहर था। तो मेरे ख्याल से रो वो रहा था क्योंकि वो बेचारा, उसके पास सोने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। ये कैसे हुआ? गलती से कुंडी लगा दी गई होगी कल शाम को, क्योंकि राधा का ऑफ था। राधा राधा बरी है इससे। टोटो नहीं नहीं हाथी शुरू कर देंगे। नहीं नहीं हाथी दांत जैसे नहीं है ना। शॉर्टकट खड़ा है ये। हाँ हो रहा है अभी, मंडे और ट्यूजडे तो नहीं मिल पा रहा है हमें शॉर्टकट के लिए देखना। ताशी की हालत थोड़ी बेटर हुई? नहीं देखिए ना, थोड़ा थोड़ा ऐसे लगने लग जाता मेरे को तो यहाँ पे, ऐसे सोजन मुजन टाइप फूल जाता है। मैं बछड़ों के साथ इसीलिए नहीं टाइम स्पेंड करता हूँ क्योंकि वहाँ पे मैं थोड़ा फिसल जाता हूँ, मैं अटैच हो जाता हूँ और वहीं पे मोर्टेलिटी रेट सबसे ज्यादा हाई है। आज हम चलेंगे सेंचुरी, चलेंगे सेंचुरी में हमारा पुराना जो टेम्परेरी शेड है उसको उखाड़ा है, प्रॉपर शेड का काम शुरू है, हमारी एक बैम्बू की फेंस लग गई है और वहाँ पे जो पानी के लिए बोरिंग होनी है, कानूनी है ना, बोरिंग होनी है, तो वो आज कोशिश करेंगे कि मशीन आ जाए। लोई वाला काम नहीं स्टार्ट होना है। हाँ। वो कच्चा वाला कर रहे हैं, जो शिफ्ट अच्छा आज कच्चे वाला हाँ, नया बना रहे हैं, नया बनाएंगे तब चलेंगे तो शिफ्ट, नहीं तो आज चलेंगे तो सही। और मैं कोशिश करता हूँ, मेरे पास एक ठूका पिटा सा ड्रोन है बहुत पुराना, अगर वो किसी तरह चल जाता है तो हम आपको ड्रोन शॉट दिखाएंगे सेंचुरी के हॉस्पिटल के। डॉक्टर हिमांशु को अभी चेकअप आज लेकर आओ, कोई डॉक्टर नहीं आया। नहीं फिर क्यों भेज रहे सर? देखिए अभी क्या ना, ये जो डॉग है ये एक हफ्ते पहले भी इसके लिए कॉल आया था, स्किन कंडीशन है बहुत बुरी तरीके से। फिर नहीं हमें तो एनिमल का सोच के हेल्प करना है। हाँ वो तो मुझे पता है करना है, कोई अगर चिल्ला रहा है पिल्ला रहा है, हमने किसी का करता तो देखो ये को जब इनको पकड़ में आ जाएगा ना तब इनको रहेगा कि आप अर्जेंटली आओ। इतना हमें एनिमल का सोच के डिसीजन मेकिंग करनी है, लोग प्रेशर डाल रहे हैं, अगर कोई ज्यादा प्रेशर डाल रहा है उससे मेरी बात करा दो ठीक है। बस सरकार को जिसको ये टैक्स देते हैं उस पर जोर डाले ना। हम जब से आए हैं ना, जब से आए 8 साल हो गए मैं इस जगह पे सफाइयाँ कर रहा हूँ, क्योंकि जब हमने शुरू नहीं किया था ये खिल्ला पड़ा था लैंड, मतलब खाली पड़ा था, तो लोग अपना कूड़ा फेंक जाते थे यहाँ पे और सब ऐसे एकदम कूड़ा घर था। आज तक सफाइयाँ चल रही हैं।